देखो चलो आज ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं और ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं और कैसे उसको चेक करेंगे, ठीक है। वो भी तो ट्रांजिस्टर जैसे आपको बताया गया, ट्रांजिस्टर क्या है, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एनपीएन और पीएनपी। तो इसका जो बनावट होता है, बनावट में जैसे आपको बताया गया कि भाई डायोड जैसे बनता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में मिलाते हैं, पीएन जंक्शन बनता है और उस जंक्शन से जो कंपोनेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायोड, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, दो जंक्शन बनते हैं, ठीक। तो दो जंक्शन, जंक्शन किसको बोलते हैं कि जहाँ पे ये दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे इसमें देखेंगे तो एन पी एक जंक्शन और पी एन दूसरा जंक्शन, इसमें देखेंगे तो पी एन एक जंक्शन और एन पी दूसरा जंक्शन। तो डायोड में क्या होता है, एक जंक्शन बनते हैं और ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, दो जंक्शन बनते हैं। तो इसी बनावट के आधार पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एन पी एन और पीएनपी। अब ये तो भाई बनावट हो गई, अब इसको पहचानने के लिए क्या होता है, सर्किट में इसका सिंबल होता है, उस सिंबल से क्या होते हैं, पहचानते हैं कि भाई कौन सा ट्रांजिस्टर है वो। जैसे अब ये सिंबल है तो ये क्या है, एनपीएन का सिंबल है और ये पीएनपी का सिंबल है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि पहचानने का तरीका क्या है कि जिस पिन में एरो का सिंबल बना होगा, ठीक, जिस पिन में एरो का सिंबल बना होगा वो क्या होगा, इमीटर पिन होगी, मतलब ई जिसको दर्शाते हैं, ई का मतलब होता है इमीटर, ठीक है, इमीटर पिन होगी। और अगर एरो अंदर की तरफ है, ठीक, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, पीएनपी होगा, और अगर अंदर एरो बाहर की तरफ है तो एनपीएन, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल पहचानेंगे, इसका नाम होता है बी सी ई। बी का मतलब क्या होता है, बेस, ई का मतलब होता है इमीटर, और सी का मतलब क्या होता है, कलेक्टर, ठीक है। तो बेस, कलेक्टर, इमीटर, इनका नाम होता है और इस तरीके से इनका सिंबल होता है और सिंबल से हम पहचानते हैं कि भाई किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो सिंबल आप याद कर लेना ताकि सर्किट में जब भी हमको सिंबल ऐसा दिखे तो हम उसको आसानी से पहचान लें कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर की बनावट हो गई और इसके सिंबल से उनकी पहचान हो गई। अब ट्रांजिस्टर दिखते कैसे हैं, ये अलग अलग टाइप, अलग अलग साइज में ऐसे आएंगे ये सब, ठीक है। तो और ये कैसे पहचानेंगे कि भाई एनपीएन पीएनपी है, जैसे आप काम करने लगेंगे तो इसमें क्या है, सब पे नंबर लिखे होते हैं, तो नंबर से आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एनपीएन है या पीएनपी है। या फिर आपको अगर कोई ट्रांजिस्टर मिलता है आपको नंबर नहीं, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है एनपीएन है पीएनपी, तो आप इसका नंबर नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं एनपीएन है या पीएनपी, उससे आपको पता चल जाएगा। और चेक करके भी आप पता लगा सकते हैं कि एनपीएन है पीएनपी है या सही है या ख़राब है, ठीक है। मतलब चेक जो टेस्टिंग करेंगे उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर सही है ख़राब है और एनपीएन पीएनपी का है। तो चेक करने के लिए क्या है, मल्टीमीटर को कहाँ रखेंगे, डायोड की रेंज में, ठीक है। और मीटर के किसी एक वायर को किसी एक पिन पे लगाएंगे, ठीक, और दूसरे वायर से बाकी दोनों पिन पे चेक करेंगे, ठीक, ये याद रखना है। अब क्या है, जिस भी पिन से दोनों पिन पे वैल्यू बताएगा, ठीक, जैसे अगर हमने रेड वायर यहाँ रखा और ब्लैक से हम चेक करते हैं, देखो इस पे वैल्यू शो कर रहे हैं, ठीक, और इस पे भी वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम ऐसा लगाते हैं तो इसमें वैल्यू और इस पे किसी भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसा होगा कि जिस पिन से दो पिन पे वैल्यू शो करेगा, तो जिस पिन से कर रहा है वो पिन क्या होगी, वो बेस, ठीक। जिस पिन से बाकी दो पिन पे वैल्यू शो करेगा, अब चाहे इससे करे, चाहे इससे दोनों पे करे, चाहे इससे दोनों पे करे, ठीक है। तो जिस भी पिन से बाकी दोनों पिन पे वैल्यू शो करेगा वो क्या होगा, वो बेस पिन। तो मतलब ये पिन जो है ये बेस पिन होगी। अब वैल्यू जो देखना है, जो दोनों पिन पे वैल्यू शो कर रहा है वो उसकी कितना वैल्यू दिखा रहा है, जैसे इस पे देखें तो क्या है 560, ठीक, 559 या 560 दिखा रहा है, इस पे देखें तो 571, मतलब 570 करीब दिखा रहा है। तो जिस पिन पे वैल्यू क्या है वो कम दिखाएगा वो क्या होगा, कलेक्टर पिन, ठीक, और जिस पिन पे वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा वो इमीटर पिन होगी। समझ में आया, फिर से सुन लो कि जिस पिन से बाकी दो पिन पे वैल्यू शो करेगा वो बेस पिन होगी, जिस पे वैल्यू कम दिखाएगा कलेक्टर पिन, जिस पे वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा वो इमीटर पिन, ठीक। तो हमको ये पहचान में आ गया कि बेस, कलेक्टर, इमीटर पिन कौन सा है, ठीक है। और रेड वायर अगर हम बेस पर रखे हैं, ठीक, और ये टेस्टिंग हो रही है, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, एनपीएन होगा। समझ में आई बात, अगर ये रेड वायर रख के ये टेस्टिंग हो रही है, ट्रांजिस्टर क्या होगा, एनपीएन होगा। अगर अगर यही टेस्टिंग अगर ब्लैक वायर रख से होती, ब्लैक वायर रख के, मतलब बेस पे ब्लैक वायर होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी होता है। समझ में आई बात, अब एक ट्रांजिस्टर या तो एनपीएन होगा या पीएनपी होगा, दोनों नहीं हो सकता है,
जैसे अगर ये रेड वायर से वैल्यू शो कर रहा है दोनों पिन पे, तो ब्लैक वायर से शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करता है कि भाई रेड से भी वैल्यू शो कर रहा है, ब्लैक से भी कर रहा है, या सभी पिन आपस में बिल्कुल जीरो वैल्यू शो कर रही है, तो ट्रांजिस्टर क्या है वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर NPN जैसा चेक करने पे भी कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा, ना PNP जैसा कुछ वैल्यू बता रहा है, ट्रांजिस्टर क्या हो जाए है वो ओपन हो गया, मतलब ख़राब हो गया, ठीक। तो चेक करने का तरीका यही है, फिर से एक बार सुन लो। सही कंडीशन क्या होगी कि किसी भी एक वायर को, ठीक, जैसे अब ये दूसरा लेते हैं, किसी भी एक वायर को एक पिन पे फिक्स करेंगे और दूसरे पिन पे बाकी पे चेक करेंगे, जिस पिन से बाकी दो पिन पे वैल्यू शो करेगा। जैसे अब देखो, इस पे हमने रेड वायर यहाँ रखा, ब्लैक यहाँ रख रहे हैं 600 दिखा रहे हैं, और ब्लैक यहाँ रख रहे हैं 635 दिखा रहे हैं। तो जिस पिन से बाकी दो पिन पे वैल्यू शो करेगा वो पिन बेस होगी, जिस पे वैल्यू क्या है कम दिखा रहा है वो कलेक्टर होगा, जिस पे वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है वो इमीटर होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ट्रांजिस्टर को आसानी से आप चेक कर सकते हो कि NPN PNP है और बेस कलेक्टर इमीटर पिन कौन सा है।